दोस्तों आज मैं जो रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ जिनका एज 20+ है और वो बंदे अपनी जर्नी स्टार्ट किए हैं, भाई रिजल्ट में तो प्रॉब्लम सबको, चाहे वो 20- हो या 20+ है। ओके तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो दोस्तों, जब हमारी उम्र 20+ हो जाती है ना, जितना बियर्ड आना रहता है भाई आ जाता है, बट किसी किसी को 25-30 तक बियर्ड ग्रोथ साइकिल चलते रहता है। ओके लेकिन भाई अगर तुम्हारी फुल बियर्ड 20 तक आ जाती है तो तुम्हारे बियर्ड के बाल ना टर्मिनल हो जाते हैं। ओके देखो भाई, 16-17 एज वालों को भी फुल बियर्ड आती है लेकिन भाई रोए बाल होते हैं, ठीक है। मतलब डेंसिटी खूब अच्छे तरीके से आएंगे लेकिन टर्मिनल 19-20-21 तक तो भाई कंप्लीट तरीके से हो जाती है। ओके और ये जो मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ ना, इस बंदे का एज लगभग 20+ है, ठीक है भाई। देखो चेहरा यार बता देता है तुम्हारी एज कितनी है, ठीक। तो भाई यहाँ पर देख लो, सेम वही प्रॉब्लम है, इनके ऑलरेडी नेचुरल बियर्ड है बट दोनों साइड में बियर्ड नहीं है, ये प्रॉब्लम सबको है। ओके तो भाई इनके जितने ऑलरेडी बियर्ड है भाई टर्मिनल बहुत ज़बरदस्त है लेकिन भाई गालों के सेंटर में बियर्ड नहीं है। बियर्ड कैसे आएंगे भाई, पतले बालों को पालना पड़ेगा मिनोक्सिडिल के जरिए। ओके तो भाई मैं आपको आफ्टर एंड बिफोर का रिजल्ट दिखाऊंगा, तो यार वीडियो दोनों एज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका एज 19 है या 20 है या 20 से नीचे या 20+ है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोला हूँ। तो घुमा फिरा के मैं बोल रहा हूँ, मैनेज कर लेना, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर देख लो भाई, अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट दिखाऊँ तो भाई वही नेचुरल बियर्ड आ रहे हैं, धीरे धीरे इनके ग्रो हो रहे हैं ट्रिम करने के बाद, लेकिन गालों के बीचों बीच में आपको बहुत ब्लर टाइप का इमेज दिख रहा है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, अब यहाँ पर देख लो सेम वही प्रॉब्लम है, इनके गालों के बीचों बीच में बेबी हेयर्स आ रहे हैं धीरे धीरे लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है मुन्ना। मेरे को माफ़ करना, मेरी गलती नहीं है, इस बंदे की गलती है बट इसका भी गलती नहीं है क्योंकि भाई कैमरा सही नहीं है, ठीक है। आप लोग कैमरे को दोषी ठहरा सकते हो, ठीक। तो देख लो भाई बेबी हेयर्स आ रहे हैं, अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर तस्वीर दिखा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखो बियर्ड आपको शायद दिख रहे हैं लेकिन अभी भी उतने क्लियर नहीं दिखते हैं। मैं हज़ार बार बोलता हूँ भाई, अगर तुम्हारा कैमरे का फोटो अच्छा नहीं है तो अपने दोस्त पापा भाई किसी का भी फोटो खींचकर पीडीएफ के माध्यम से तुम लोग भेजोगे ना तो फोटो थोड़ा अच्छे आते हैं। अगर डायरेक्ट व्हाट्सअप इंस्टा पर भेजोगे तो भाई इंस्टा पर फिलहाल चल जाता है लेकिन व्हाट्सअप पर ना मतलब रेजोल्यूशन कम हो जाता है, ठीक है। तो भाई आप लोग मैनेज कर लेना, बट मेरा गलती इसमें नहीं है, आप लोग 720 पर क्वालिटी कर लोगे ना तो अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो भाई, इनके पतले पतले बाल एक्टिवेट हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, जहाँ पर इनके टर्मिनल बियर्ड है वहाँ पर कतई नहीं हो रहे हैं, जहां पर खाली है ना वहां पर इनके पतले पतले बाल ग्रो हो रहे हैं। यहां पर देख लो, ये रहा मार्स का मिनोक्सिडिल। ओके अगर ये बंदा इसके जगह पर कोई और भी मिनोक्सिडिल यूज करता तो शायद इनको यही सिचुएशन में मतलब भाई रिजल्ट मिलता, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मार्स के जगह तुम इंटॉप यूज कर लो तो तुम्हें अचानक से रिजल्ट मिल जाएंगे। देखो दोस्त, जर्नी में 9-10 का अंतर होता है, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। तो मेरे दोस्त किसी को रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता है, किसी किसी को भाई सच में बोल रहा हूँ भूतों की तरह उनके दाढ़ी ग्रो होते हैं। ऑलरेडी मैंने यार लाइव रिजल्ट अपलोड किया तो भाई आप लोग हमेशा देखते रहते हो, बहुत से लोग जानते हैं भाई। जो तुम जानकारी देते हो ना मैं पूरे यूट्यूब पर देखा हूँ, कोई नहीं बताता है। अगर आपको सच में लग रहा है मैं आपको बिल्कुल ट्रू जानकारी देता हूँ, ट्रू इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो भाई कॉमेंट में जरूर बताना ताकि और लोगों को भी पता चल जाए इंसानियत अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर देख लो भाई, मैं दूसरा रिजल्ट दिखाता हूं। यहां पर देख लो भाई, बलर है बट मैनेज कर लेना आप लोग। चलिए अब यहां पर देख लो भाई, अब यहां पर इनके बियर्ड जो है ना ट्रिम किए गए हैं लेकिन गालों के बीचों बीच में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई लगभग भाई मैं देखो ये जो फॉलिकल्स है मैं काउंट तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं अपने अंदाजा के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर 60-70 फॉलिकल्स दिखाई दे रहे होंगे गालों के सेंटर में, ठीक है। बट ज़्यादा है, मैं वैसे अनुमान लगाकर बताया हूँ। चलिए थोड़ा और क्लियर तस्वीर दिखाता हूँ, अब यहाँ पर देख लो भाई, ठीक है वही चीज़ है, अभी भी इस बंदे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट कहाँ है भाई, कहाँ गया, गायब हो गया क्या? चलिए मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मतलब बंदा बिल्कुल यार क्लीन में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो भाई इन्होंने मिनोक्सिडिल लगा लिया है लेकिन भैया एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, बिल्कुल लाइट दे रहा है स्किन, ठीक है। तो भाई देखो आप लोग ज़रूर बताना आप कितने बजे नाइट में मिनोक्सिडिल यूज़ करते हो, बहुत से लोग 7, 8, 9, 10, कोई कोई भाई 11 बजे मिनोक्सिडिल लगाता है, जो लोग जॉब वगैरह पर से आते हैं काम वाम करके ना मेरे दोस्त, तो वो लोग 10-11 बजे कोई कोई बंदा है तो मिनोक्सिडिल लगाता है। देखो दोस्त आप लोग कमेंट करना, बहुत से लोग समझ जाएंगे हाँ ये बंदा इतने टाइम पर लगाता है, मैं तो भैया 7 बजे लगाता हूँ और ये लड़का इतने बजे लगाता है, मेरा दोस्त तो उसका टाइम फिक्स है और 9 बजे करेक्ट 9 बजे ही लगाता है। तो भाई कमेंट आज छूटना नहीं चाहिए, ज़रूर बताना मैं कितने बजे यूज करता हूँ, मेरा दोस्त कितने बजे यूज करता है, ठीक है। सब कोई बताएगा, आज कोई नहीं भूलेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने मिनोक्सिडिल लगा लिया है लेकिन भाई बिल्कुल गाल चिकना लग रहा है, नीचे के जो बियर्ड ना बियर्ड बहुत अच्छे तरीके से टर्मिनल हैं और इनकी एज ओवर हो चुकी है 20+। मैं अभी आपको बताऊंगा अगर आपकी एज 20- है
अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो दोस्त जो तरीका बताऊंगा आप लोग बिल्कुल उसे फॉलो करना, और जो 20 प्लस हैं आप लोगों के लिए भी मैं टिप्स बताऊंगा, बट वीडियो के एंड में या तो बीच में जरूर बताऊंगा। लेकिन भैया रिजल्ट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं रिजल्ट दिखाता हूं तभी आप लोग मोटिवेट होते हो, हाँ भाई सच में रिजल्ट मिल रहा है, आप लोगों का मन लगता है। जो बंदा डेली डेली यूज करता है ना, उनमें से कई बंदे ऐसे हैं जो यार उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता ना, वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है और गैप करने लग जाता है। जैसे ही उसे रिजल्ट मिलता है ना, तो भाई सच में बोलता हूँ बंदा मतलब सोचता है अब तो पहाड़ में गिरा दूंगा, ठीक है धरती पर निछावर कर दूंगा। डेली यूज करेगा बहुत अच्छे से, उसका मन लगता है बियर्ड जर्नी में। देखो भाई जब कोई इंसान अर्निंग करता है, अगर गवर्नमेंट उसकी अर्निंग थोड़ा सा बढ़ा देती है ना, तो बंदा खुश हो जाता है, डेली जॉब पर जाता है, डेली जो है कि अपने काम पर जाता है। बिल्कुल तुम्हारे बीएड के साथ यही होता है, जब तुम्हें रिजल्ट मिलता है ना तो भाई तुम डेली यूज करते हो, ठीक है तरह तरह के वीडियो देखते हो। बहुत से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर मेरे एक वीडियो देखेंगे, अगर वो लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं उन्हें रिजल्ट मिलता है तो भाई एक एक करके वीडियो डेली देखते हैं। उनमें से आप लोग में भी कोई बंदा होगा तो भाई ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, तो चलिए फाइनली मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कुछ रिजल्ट यहाँ पर विजुअल हो रहे हैं लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग थंबनेल में देखा होगा बट मैं आपको थोड़ा यहाँ पर रियल तस्वीर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देख लो, जो इनके बहुत पतले पतले बियर्ड है मेरे को दिख रहा है, बट आप लोग थोड़ा क्वालिटी साफ कर लेना, 720 पर ऑन कर लेना, साफ दिखेगा। और वैसे भी कम्युनिटी टैब में इनका तस्वीर मैं डाल दूंगा, वहाँ पर साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर भाई इस साइड में देख लो, पतले पतले बाल ग्रो हो रहे हैं लेकिन लॉन्ग हो चुके हैं भाई, लेकिन काले नहीं हैं, भूरे बाल हैं। तो भाई स्किन का भी कलर थोड़ा भूरा ही दिख रहा है, तो उसमें छिप जा रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा सही से, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देख लो भाई, बियर्ड इनके धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है बियर्ड में, यहाँ पर देख लो, ठीक है थोड़ा। चलिए अब यहाँ पर देख लो भाई, ये बंदा फुल किट यूज़ कर रहा है, मिनोक्सिडिल, बायोटिन, डर्मा रोलर, और शायद मॉर्निंग में एवियन 400 भी ये यूज कर रहा है, ठीक है। देखो भाई किसी किसी को फुल किट यूज करते हुए भी थोड़ा स्लो रिजल्ट देखने को मिलता है, ये रिजल्ट कितने दिन का है ना अब रात तुम्हें जरूर दिखाएगा, बताएगा भी, ठीक है। अगर तुम्हें 3 महीने में इस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है, 4 महीने में इससे भी बदतर रिजल्ट मिल रहा है ना, तो भाई मैं जरूर आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर देख लो भाई, बियर्ड की डेंसिटी, मैं बोलता हूँ सिर्फ तुम पेशेंस रखो, पेशेंस के अलावा कुछ मत रखो, ठीक है। पेशेंस में दोस्त वो ताकत है ना, तुम्हें सच में बोल रहा हूँ अंबानी वाली फीलिंग दिला सकती है, ओके। दुनिया में जो है ना इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इंसान से मतलब छोड़ो, कल मैं इस टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो होगा, ओके। बहुत से लोग मेरे दोस्त आज मेले में घूम रहे होंगे लेकिन मैं घर पर बैठकर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मेला कल नाइट में जाऊंगा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, तो दोस्त मैं पोस्ट जरूर डालूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। कम्युनिटी टाइम में मैं इमेज डालूंगा, आप लोग देखना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये रहा दोस्तों फाइनल रिजल्ट, जो कि सच में जिनके ऑलरेडी बीएड होते हैं ना उन्हें दोस्त अचानक से बूस्ट मिलता है। शुरुआत में तुम्हें ठोकरें खाना पड़ेगा, इतना याद रहे, लेकिन सब कोई ठोकर नहीं खाता स्टार्टिंग में। बीएड जर्नी से रिलेटेड ये टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो दोस्त, मतलब स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा बोरिंग फील हो रही होगी, कब रिजल्ट आएगा, तो भाई आप लोगों के सामने ये रिजल्ट है भाई की, जो बीएड है ना डेंसिटी में ग्रो हो रही है, घने भी होंगे, बस बियर्ड पतले हैं, जैसे मोटे होंगे ना दोस्त सच में बोल रहा हूँ कमाल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, मैं जूम कर देता हूँ, सभी जगह इनके पतले पतले बियर्ड आ चुके हैं, और जो बियर्ड की एल्फ टाइप का जो डिज़ाइन होती है वो भी यहाँ पर आपको मतलब छप गया है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाल अभी भी पतले हैं, ओके। तो भाई ये रहा पेशेंस रखने का नतीजा। अब चलिए थोड़ा इमेज यहाँ पर दिखाता हूँ, अब यहाँ पर देख लो, बंदे ने शायद तवीज़ पहना है, बट इसे तवीज़ ही कहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट और दिखाता हूँ, अब यहाँ पर देखो भाई, इसने मिनोक्सिडिल लगाया है, यहाँ पर इनके बियर्ड जो पतले पतले थे ना थोड़े मोटे भी होते जा रहे हैं, और बियर्ड की डेंसिटी भी ठीक ठाक है, बियर्ड लॉन्ग भी होते जा रहे हैं, ओके। चलिए अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस साइड का, यहाँ पर भी वही हाल है, मिनोक्सिडिल धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं शायद नहीं है, लास्ट था, थोड़ा मैं चैट वगैरह दिखा देता हूँ ये कितने दिन का रिजल्ट है, ओके। अब यहाँ पर देख लो, एक चीज़ मैं आपको सुना दूँ, मैं क्या बोला हूँ इस बंदे से, मैं क्या कह रहा था, दोस्त थोड़ा क्लियर तस्वीर भेजो ना अच्छे से खींचकर, ओके शायद मैं बोला हूँ फोटो थोड़ा क्लियर भेजो। अभी ये क्या बोल रहा है भाई, अभी तो मेले में है, हाउस पर जाते ही भेजता हूँ, मतलब ये मेला में बंदा इंजॉय कर रहा है, घर पे पहुँचते ही ये फोटो मेरे को थोड़ा क्लियर भेजेगा, ओके। क्योंकि क्लियर फोटो भेजेगा तो भाई उसमें थोड़े बियर्ड के बाल ना साफ दिखाई देंगे, ठीक है। तो भाई देख लो, बहुत से लोग मेरे दोस्त मेले में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ओके। मैं तो भैया कल जाऊँगा, ठीक है।
चलिए आप यहाँ पर देख लो, लेकिन हाँ कल वीडियो आएगी, ओके 100% वीडियो आएगी, 6 बजे वीडियो आ सकता है। कौन कौन वीडियो को 6 बजे देखना चाहता है भाई आप लोग बता देना, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो एंड तक देखोगे ना थोड़ा मज़ा भी आता है। मेन टॉपिक्स वीडियो के एंड में या तो वीडियो के बीच में, कभी कभी तो भैया मैं शुरुआत में ही बक देता हूँ। अब यहाँ पर देखो अनवांटेड हेयर के इफेक्ट, थोड़ा मैं जूमआउट करता हूँ, गर्दन के इस साइड में देख लो भाई अनवांटेड हेयर, बट ये चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये 2 महीने का रिजल्ट है भाई, थोड़ा मैं चैट दिखा देता हूँ, लगभग 2 मंथ ओके, ये 2 महीने का रिजल्ट है। इसने क्या क्या यूज़ किया है, मिनोक्सिडिल, मतलब देखो मैं आपको बता दूँ, ये बंदा फुल किट यूज़ किया है। अगर आप लोगों में से कोई बंदा फुल किट यूज़ कर रहा है, अगर उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भाई आप लोगों के लिए मैं थोड़ा टिप्स बताता हूँ, सुन लेना ठीक है। ये बंदा सिर्फ पेशेंस रखा है, ठीक, तो भाई आप लोगों को भी पेशेंस रखना है। और देखो भाई थोड़ा चेकआउट वगैरह कर लेना, क्या मैं मिनोक्सिडिल सही टाइम पे लगा रहा हूँ, क्या मेरे जो डर्मा रोलर हैं मेरे स्किन रेड हो रहे हैं या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। कोई कोई बंदा बायोटिन टैबलेट 2 टाइम यूज करता है, ठीक, तो आपको 2 टाइम नहीं यूज करना है। बहुत से बंदे हैं जो कि फुल किट यूज़ कर रहे हैं, उनमें से कुछ लापरवाही भी करते हैं, थोड़ा लालच पैदा होता है उनके अंदर, सोचते हैं भाई मैं टैबलेट 2 टाइम खाऊंगा तो मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं मेरे दोस्त, लिमिट पार मत करना यार, तुमसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं जाने दूंगा, ओके। एक साइड कम है दूसरे साइड में ज़्यादा, ये बीमारी भैया कभी ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक तुम्हारी जर्नी कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्त ये सिर्फ बिगनर लोगों को ही, मतलब यार देखो चुन चुन कर मारता है, एक साइड में कम है दूसरे साइड में ज़्यादा है, ये बहुत भयंकर, मैं क्या ही बताऊँ, छोड़ो। चलिए अब यहाँ पर देख लो रिजल्ट भाई तुम्हें मिल रहा है ना, तो अब से यही सोच कर चलो अब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, ठीक। यहाँ पर देख लो रिजल्ट बहुत अच्छी है भाई, ये सोच कर चलना अब मेरा जर्नी स्टार्ट हो चुका है, मैं जो है ना धीरे धीरे रास्ता बना लिया हूँ, अब मैं उस रास्ते पर चलते जाऊँगा जब तक मेरे बियर्ड के बाल टर्मिनल नहीं हो जाते। अभी तो भैया तुम्हारा शुरुआत है, देखो जब ट्रिम करने के बाद शेव करने के बाद भी दिक्कतें आती है, बट तुम ना भाई मेरे अंडर में लो, तो टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो 20+ वालों के लिए मैं टिप्स बताता हूँ। देखो भाई तुम्हारी एज ओवर हो चुकी है, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तुम भी अपने बियर्ड को ग्रो करना चाहते हो। बहुत से लोग 20+ हैं जो कि ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट किए हैं, लेकिन भैया तुम लोग क्या क्या गलतियाँ करते हो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो भाई तुम लोग गैप मारते हो, और जो बंदा गैप मारता ना, सच में बोल रहा हूँ, रिप्लाई उसका देने का मन नहीं करता। मैं बहुत से बंदों का जो है ना क्वेश्चन आंसर लेते रहता हूँ, भाई तुमने कितना गैप किया। कोई कोई भाई बोलता है मैं 7 दिन, तो मतलब भाई गुस्सा तो लगेगा ही, मेरा डेली का काम है आप लोगों को बताना, मैं हमेशा पूछता हूँ गैप नहीं करना चाहिए। कोई कोई बोलता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ गया था, गर्लफ्रेंड साथ जाना था, भाई मैं रिलेशन में जाना था। मैं बोलता हूँ भाई कहीं जाओ, मेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम अपना बीपन्स अपने साथ लेकर चलो भैया, ये एक हथियार टाइप है, ठीक है। तो तुम इसे बायोटिन टैबलेट जो भी हो अपने साथ में ले जाओ, कहीं भी भाई कमरे बंद करके, या समझ लो सोच वाला वगैरह टॉयलेट, उसमें तुम भाई आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत से बंदे ऐसे ही करते हैं, जो लोग जिद ठान लेते हैं ना, ये तरीका तुम्हें अपनाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन भाई बहुत से लोग बोलते हैं भाई अगर मैं लेकर जाऊंगा, कोई देख लिया बोलेगा ये क्या है वो क्या है, अरे पापा मम्मी भैया देखो ये क्या लेकर आया है, कौन सा दवा है, तो भाई थोड़ा बच कर भी चलना चाहिए। अगर तुम नहीं हो ना, देखो बहुत से बंदे ना मतलब छुप छुप कर लगाते हैं, पापा मम्मी भैया के डर से कोई देख ना ले, ओके। तो भाई देखो आप लोग मैनेज कर लेना, तुम्हें खुद मतलब क्या ही बताओ भाई, ठीक, तुम मैनेज कर लेना, ठीक है। तुम्हें अगर बियर्ड ग्रो करना है तो मेरे दोस्त तुम मैनेज कर लेना, ओके। और भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ 20+ 20- वालों के लिए, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में तो क्या करना चाहिए, तो भाई सबसे पहले तुम्हें चेकआउट करना चाहिए, ठीक है, मेरा लगाने का तरीका क्या है, ओके। और देखो एक चीज़ और बता दूँ, जिस बंदे का 3-4 महीने हो चुके हैं, ये जो मैं रिजल्ट दिखाया हूँ ना ये वाला, अगर आपको लगता है कि मतलब इस बंदे से भी कम मेरे को रिजल्ट मिल रहा है ना, तो उस कंडीशन में देखो भाई तुम प्रोडक्ट चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मार्स का यूज कर रहे थे ना, तो भाई मिंटो ऑफ टू गेन कोई भी चूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनसे भी नहीं मतलब काम बनता है तो भाई तुम अदर ब्रांड मतलब चूज कर लेना। देखो रिजल्ट तो भाई तुम्हें मिलेंगे, चाहे आज मिले या कल मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले या साल भर के बाद मिले, तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ और बता दूँ, अगर भाई तुम मिनोक्सिडिल नहीं यूज़ करोगे बियर्ड ग्रो करने के लिए, मिनोक्सिडिल को छोड़कर दुनिया का तुम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, बियर्ड आने वाली नहीं है, ओके। बहुत से बंदे हैं ना मतलब ब्रांड बहुत ज़्यादा चेंज किए फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। उसमें का एक पेशेंट मेरे पास आया था, मुझसे सब कुछ बताया, भाई देखो मेरे से कोई भी मिनोक्सिडिल बाकी नहीं है, मैंने सब यूज किया है, लेकिन मैं बोला भाई देखो यार तुमने तो सब कुछ यूज कर लिया, बस एक ही ऑप्शन बचा है, तुम्हें बियर्ड ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें बियर्ड सच में चाहिए तो भाई बियर्ड ट्रांसप्लांट के अलावा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता था मिनोक्सिडिल, बट तुमने भाई सूट नहीं किया। वो बोला बंदा हाँ भाई बट इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा आता है। मैं बोला देखो भाई अच्छा एक चीज़ तुम बताओ, तुम्हारा टाइमिंग क्या है बियर्ड ये जर्नी मिनोक्सिडिल लगाने का टाइमिंग क्या है? बंदा बोलता था कभी मैं सुबह में लगाता हूँ, कभी शाम को लगाता हूँ, लेकिन हाँ भाई अब्रार भाई मैं डेली यूज करता हूँ, गैप नहीं करता हूँ, बस मेरा टाइमिंग जो है ना दोनों टाइम, कभी शाम को कभी सुबह को कभी शाम को। और मैं बोला क्या यूज करते हो? बंदा बोला बस मिनोक्सिडिल ही।
मतलब वो सोचो वो बंदा मतलब यार सभी ब्रांड यूज कर लिया था, कोई बाकी नहीं था, बट वो बंदा जो ना थोड़ा रईस घर का था, ठीक है, मनी वाला था, पैसे वाला था, तो भाई पैसे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बट अगर मैं बोला हूँ बियर ट्रांसप्लांट में थोड़ा खर्च आते हैं, आप लोग सोचते होंगे भाई वो लड़का तो पैसा वाला है, उसके लिए तो चुटकी का खेल है, जो पैसा ना मेल का हाथ है। तो मैं तुम्हें बताऊँ, देखो बड़े बड़े लोग बियर ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं, किसी किसी का भाई फेल हो जाता है ना, किसी किसी को थोड़े साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, तो कोई कोई होता है पैसे वाला तो इन सब चीज़ से डरता है, ठीक है। तो भाई देखो बियर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी ना पता चल जाता है, ठीक है, तुमने बियर ट्रांसप्लांट कराया है। हाँ मैं क्या बोल रहा था, बंदा जो ना उसका टाइमिंग सही ना था, सही नहीं था। मैं उससे बोला देखो दोस्त अगर तुम्हारा टाइमिंग सही नहीं है तो भाई तुम टाइमिंग अपना सही करो, एक टाइम यूज करो। बोला भाई मैं सब कुछ कर लिया हूँ। देखो दोस्त वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना इसे सुनना, थोड़ा समझना, तुम्हें सच में बोला थोड़ा जानकारी मिल जाएगी। तो उसने बोला भाई मैं डर्मा रोलर नहीं यूज़ करता हूँ। मैं बोला हूँ देखो भाई तुम आँख बंद करके यूज़ करो डर्मा रोलर, मिनोक्सिडिल, बायोटिन, ठीक है। बट वो बंदा जो था ना फुल किट नहीं यूज़ कर रहा था, बट उसने सारा मिनोक्सिडिल का मतलब भाई मिनोक्सिडिल यूज़ कर लिया था। मैं बोला भाई एक बार तुम जो चीज़ मैं बोला उसे यूज़ करना, रिजल्ट मिल जाएंगे। देखो भाई ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, इसका रिज़ल्ट मैं कल लेकर आऊँगा, तब तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हो भाई तुम यार घुमा फिरा के बोल रहे हो, ठीक है, नहीं जब रिज़ल्ट देखना तो ही मेरे पे यकीन करना, ओके। सब कुछ बता दिया दोस्त, तुम्हें क्या करना चाहिए बियर्ड ग्रोथ के लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, हो सकता है मैं अभी मेले में निकल जाऊँ या तो मैं कल जाऊँगा, जब जाऊँगा तो भाई कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाल लूँगा और वीडियो 100% जो चीज़ मैं बताया हूँ ना इस टॉपिक्स के ऊपर 100% आएंगे, ओके। जो बंदा यहाँ तक वीडियो देखा है भाई कमेंट जरूर करना, हैज़ बी नो हेयर भूलना नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हो ना तो मेरा हौसला बढ़ता है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, डेली वीडियो बनाने का मन करता है। जो चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ हैज़ बी नो हेयर जरूर लिखना, तो भाई 100% मेरे को अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।